अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 18, टेम्परेचर हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉब्लम 949। हमें फिक दी गई है 18.42। एक क्लोज साइकिल ऑफ द कपात दिखाया जा रहा है। इंटरनल एनर्जी जो गैस की है, जब हम ए से सी तक जाते हैं, यानी टोटल बता दिया ए से सी तक का, वो -200 जूल है। और जब कहता है सी से डी तक हम जाते हैं तो 180 जूल है ट्रांसफर एज अ हीट, यानी हीट के तौर पे, और ये किस तौर पे, इंटरनल एनर्जी के तौर पे। एडिशनल 80 जूल ट्रांसफर करते हैं जब आप डी से किस तरफ जाते हैं, ए की जानिब। कितना वर्क डन होगा गैस का फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक जाते हुए। अब हम जानते हैं साइक्लिक पाथ है, इंटरनल एनर्जी की चेंज कितनी होगी, जीरो। तो जितनी भी इंटरनल चेंजेस आ रही है हर पाथ के अगेंस्ट, सबका सम जीरो कर दिया। अब पहले पाथ में जो ए से सी तक का पाथ था, उसकी इंटरनल एनर्जी की चेंज दी गई है, और हमसे मांग कौन सा रहा, सी से डी तक, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और डी से ए तक के मामले में जो हीट ट्रांसफर हुई थी वो पता है, तो वो मैंने कह दिया कि इंटरनल एनर्जी आपके पास निकाली जा सकती है क्यू माइनस डब्ल्यू के तौर पे। तो जो हीट ट्रांसफर हुई थी क्यू डी ए, वो मैंने निकाल ली। वर्क डन मैंने जीरो कर दिया, क्योंकि इस दौरान आपके पास वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज नहीं आएगा, डी ए में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो वर्क मैंने जीरो कर दिया। तो इस सारे को लेकर सॉल्व कर लेंगे, 120 जूल आ जाएगा। अब ये इंटरनल एनर्जी की चेंज पता लग गई सी डी पाथ पे। अब हमने क्या करना है कि वर्क निकालना है, क्यू सी डी माइनस क्यू इंटरनल एनर्जी की चेंज सी डी पे। अब उसने हमें खुद बता दिया था कि सी डी तक इंटरनल जो आपके पास हीट है वो 180 जूल की है, आपने ट्रांसफर की है, इंटरनल एनर्जी की चेंज 120 है। सॉल्व करेंगे तो 60 जूल का वर्क डन आ जाएगा आपके पास। तो ये जनाब सिस्टम 60 जूल का वर्क करके हमें देगा। तो ये हमारा सलूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।